अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, स्पेसिफिकली मैमल्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से इनके अंदर थर्मोरेगुलेशन हो रही है, किस कौन सा इनके अंदर मैकेनिज्म मौजूद है, एनिमल्स ने कौन सी अपने अंदर जो है वो अडेप्टेशन की हैं, और स्पेसिफिकली मैमल्स ने अपने अंदर किस तरह की चेंजिंग लेकर आए हैं, इनकी क्या मैकेनिज्म क्या होता है थर्मोरेगुलेशन का, और जो है किस तरह से ये कोल्ड और हॉट एनवायरनमेंट में जो है वो खुद को रहने के काबिल बनाते हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। एनिमल्स के अंदर बेसिकली तीन तरह की अडेप्टेशंस हैं, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, बिहेवियरल अडेप्टेशंस। स्ट्रक्चर के अंदर जो एनिमल्स अपने तब्दीलियां लेकर आए हैं, अडेप्टेशंस लेकर आए हैं थर्मोरेगुलेशन के लिए, उसमें है जी पिलेज है, ये फर है, जैसे बॉडी के ऊपर जो हेयर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन लेकर आए हैं। ये जब भी हॉट कोल्ड एनवायरनमेंट होगा, यानी जब सर्दियां होंगी, टेम्परेचर लो होगा, तो ये इस फर को जो है वो इरेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और एज ए इंसुलेटर ये जो है वो काम करती है। तो ये एक चेंज है इनकी अडेप्टेशन है, इनकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड बॉडी में मौजूद है, ये क्या करते हैं स्किन के अंदर, ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट से जाहिर है फिर ओवेपोरेटिव कूलिंग काज होती है, तो ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। इसके अलावा डॉग्स के अंदर ये स्पेसिफिकली फिनोमेना मौजूद है, पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, डॉग्स जो हैं वो मुंह खोल के और छोटे छोटे तेजी से सांस लेते हैं, और उनकी जो टंग है उससे छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट नीचे गिर रहे होते हैं, इसको हम पेंटिंग कहते हैं। उनमें जो एक्सहेल उनकी एयर है जो वो मुंह से बाहर निकाल रहे होते हैं, उसके अंदर एक्चुअली एयर ड्रॉप जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि हीट को कैरी कर रहे होते हैं। तो इनकी बॉडी से इस तरह से जो एक्सेसिव हीट होती है लंग्स, उसको इस ये वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू जो है वो बाहर भेज रहे होते हैं। तो ये पेंटिंग है, ये भी इनके स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है कि लंग्स के अंदर इस तरह से चेंज आया उनके स्ट्रक्चर के अंदर कि वो पेंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, इसमें ब्लड फ्लो को एडजस्ट किया जाता है। अगर जैसे टेम्परेचर हाई है, गर्मियां हैं, तो क्या होगा कि जो स्किन की तरफ है वो ब्लड फ्लो उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, वहां पे स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनको डायलेट कर दिया जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगी, और जो है इस तरह से जो है फिजियोलॉजिकल ये अडेप्टेशन है इनके अंदर, उससे फिर स्वेट प्रोड्यूस होगा, स्वेट से जो है वो सारी हीट बॉडी से बाहर चली जाएगी। मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे अगर हमें हीट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो वहां पे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हीट जनरेट होगी। और इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो हेयर्स हैं उनको भी इरेक्ट कर देंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, इसके अलावा वही स्वेट ग्लैंड्स हैं तो ये स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में भी आता है। बिहेवियरल अडेप्टेशन के एनिमल्स ने किस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज किया है, इसमें बिहेवियर को चेंज करने में जैसे बरोइंग है कि एनिमल्स इस तरह की जगहों पे जाएंगे जहां पे हीट एक्सचेंज जो है वो मिनिमल हो, मिनिमम कर सकें, वो ज्यादा उनकी बॉडी से हीट लॉस ना हो। जैसे गर्मियां हैं तो ये जो स्क्विरल्स वगैरह हैं ये बरो के अंदर चले जाएंगे, अपने बिल के अंदर चले जाएंगे, बरोइंग मैकेनिज्म होगा इनका, यानी धूप पे नहीं जाएंगे। तो ये एक बिहेवियर के अंदर चेंज आया इनके। बास्किंग जैसे लिजर्ड में है, सर्दियों में वो धूप में बैठेंगी, जाहिर है वहां पे उन्हें हीट मिलेगी, धूप से सनलाइट वो अब्जॉर्ब करेंगे अपनी बॉडी में, तो ये बास्किंग हो गया। उसके अलावा ये अपनी सरफेस एरिया को इस तरह से एडजस्ट करती हैं, जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में इकट्ठे होके बॉडी को जो है वो जो है सरफेस एरिया उसका कम कर देंगी, बॉडी को राउंड शेप में ले आएंगी, गोल होके इकट्ठे होके बैठेंगी, और अगर गर्मी है तो बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हीट लॉस हो, और सर्दियों में हीट बचानी है तो जाहिर है वो बॉडी को सरफेस एरिया कम कर देंगे ताकि कम से कम हीट लॉस हो। स्पेसिफिकली मैमल्स के अंदर कौन कौन सी रेगुलेटरी जो है स्ट्रेटजीज हैं, तो मैमल्स के अंदर जो है हीट जनरेट करने के लिए शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मौजूद है। शिवरिंग क्या है, शिवरिंग जैसे हमने सर्दी लग रही है तो हम कांप रहे होते हैं, ये बेसिकली शिवरिंग है। तो इसमें होता क्या है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और मसल के अंदर वही ग्लाइकोजन टूट रहा होता है, ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये थर्मो, थर्मो मतलब हीट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो ये हीट प्रोड्यूस होती है इससे। मसल के मसल कंट्रैक्शन के अलावा भी हीट जनरेट होती है जिसको हम नॉन शिवरिंग कहते हैं। इसमें हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकल रहा है तो ये आके बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, तो इससे भी हीट जनरेट होगी। ये इसमें शिवरिंग नहीं हो रही लेकिन हीट जनरेट हो रही, इसलिए हम इसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं।
इसके अलावा मैमल्स के अंदर जो है वो फैट लेयर है, इनकी स्किन के नीचे जो है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मौजूद है, स्किन के नीचे जो फैट की लेयर है, तो वो इनको इनकी हीट को वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रही लेकिन कंजर्व कर रही है, एज ए इंसुलेटर काम कर रही है, बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने दे रही, तो ये जो है थर्मो कंजर्वेशन कर रही है, हीट को कंजर्व कर रही है। फर है बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर की थिक कवरिंग होती है, ये जो है मैमल्स के अंदर ये भी एक फेनोमेना है कि वो इस फर को, वही जैसे मैंने पहले बताया कि वो हेयर्स को इरेक्ट कर लेंगे, इनके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी और जो है एज इंसुलेटर काम करेगी। स्वेट प्रोडक्शन, ये यहां तक फर तक तो ये होता है ना कि जब भी हमें ज्यादा मतलब हीट प्रोड्यूस करनी होती है तो वो शिवरिंग से कर ली, नॉन शिवरिंग से कर ली, फैट लेयर में आप इंसुलेटर हो गए, फर जो है उसको इरेक्ट कर लिया। अब अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है, हीट ज्यादा है, गर्मी है बाहर जो है वो टेम्परेचर हाई है और आप चाह रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर लो किया जाए, किसी तरह से इस हीट को डिसिपेट किया जाए, तो तब क्या होगा, तब मैमल्स स्वेट प्रोडक्शन करेंगे, वही स्वेट ग्लैंड्स के जरिए से स्वेट प्रोड्यूस होगा और इवेपोरेटिव कूलिंग काज होगी। इसके अलावा ब्लड फ्लो को एडजस्ट करेंगे, ब्लड फ्लो को एडजस्ट करने से हीट प्रोड्यूस तो नहीं होगी लेकिन हीट कंजर्व होगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो है, सर्दियां हैं, तो उसमें क्या करेंगे, स्किन की तरफ जो है वो ज्यादा ब्लड, तो हमने उस टाइम सर्दियों में जब बॉडी का टेम्परेचर लो है तो हमने जो है वो हीट को कंजर्व करना है, तो इसलिए हम स्किन की तरफ ब्लड को नहीं जाने देंगे क्योंकि ब्लड गर्म है, ब्लड के अंदर जो है वही हीट मौजूद है, तो इसलिए जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो ट्रंक रीजन में ज्यादा रखेंगे, आर्म्स की तरफ, लेग्स की तरफ या स्किन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कम कर देंगे। इसी तरह गर्मियों में इसके उलट होगा कि स्किन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे। हॉट और कोल्ड एनवायरमेंट में अब इसको अलग अलग इनका कंपैरिजन किया गया कि जैसे हॉट एनवायरमेंट होगा या टेम्परेचर हॉट होगा तो तब क्या करेंगे, वैजो डायलेशन हो जाएगी, वैजो मतलब वेसल्स डायलेट मतलब फैल जाएंगे, इनका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, मोर ब्लड एंटर द स्किन, स्किन कैपिलरीज इनके अंदर ज्यादा ब्लड जाएगा और हीट वहां से लॉस्ट होगी। यानी अगर आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करना है, बाहर गर्मी है और इस तरह से आप वैजोडायलेशन से जो है वो हीट को लॉस करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। सर्दियों में क्या होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जो स्किन की तरफ आर्टरीज जा रही हैं उनका वो जो है वो सुकड़ जाएंगी, वैजो मतलब वही वैसल कंस्ट्रिक्शन मतलब सुकड़ जाएंगे, उनका डायमीटर कम हो जाएगा, तो इससे जो है वो स्किन की तरफ जो है वार्म ब्लड नहीं जाएगा तो बाहर आपकी हीट जो है वो डिसिपेट नहीं होगी। स्वेटिंग, गर्मियों में वही स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे ये सर्दियों में क्या होगा, शिवरिंग होगी, कांपने से जो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से वही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पिलो रिलैक्सेशन और पिलो इरेक्शन, ये वही जहां पे मैंने जैसे बताया ना कि हेयर्स यहां पे गर्मियां हैं तो हेयर्स खड़े तो नहीं होंगे, बाल खड़े तो नहीं होंगे, सीधे नहीं होंगे, इरेक्ट नहीं होंगे, मतलब वो फ्लैटन हो जाएंगे, इसी फिनोमेना को हम पिलो रिलैक्सेशन कहते हैं, यानी रिलैक्स है इस कंडीशन में हेयर। और यहाँ पे सर्दियों में जैसे वो सर्दी लगती है तो हमें बाल खड़े हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो इसमें हेयर ऑन स्किन स्टैंड अप, पिलो इरेक्शन इसको हम कहेंगे, इरेक्ट हो गए हैं बाल। स्ट्रेचिंग आउट, यानी वही इसमें सरफेस एरिया को एडजस्ट करने वाली बात है कि गर्मी है तो अब ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देंगे बॉडी को स्ट्रेचिंग आउट करके। और कर्लिंग अप, सर्दियों में कर्लिंग अप इकट्ठे होकर जैसे हम बैठते हैं, मेकिंग योर सेल्फ स्मॉलर, सो स्मॉलर स्मॉलर सरफेस एरिया, जिससे हीट जो है वो कम। अब देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से जो है हाइपोथैलेमस जो है थर्मो रेगुलेशन को कैसे मेंटेन कर रहा है, किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो है होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट मौजूद है जो कि एडजस्ट है, एक सेट पॉइंट पे एडजस्ट है, जो वो सेट पॉइंट क्या है जिसको हम नॉर्मली 37 कहते हैं, वो एक्चुअली 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब भी टेम्परेचर इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा तो वो जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर इस सेट पॉइंट से यानी 36.1 से 37.8 डिग्री से ज्यादा हो जाए अगर बॉडी का टेम्परेचर, ठीक हो गया, तो तब क्या करेगा, इसको हमारे सेंसर डिटेक्ट करेंगे और हाइपोथैलेमस जो है कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देगा। ये नेगेटिव फीडबैक है कि हीटिंग को डिटेक्ट किया है कि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी हीटअप हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है और आप कूलिंग ऑन कर रहे हो, ये नेगेटिव फीडबैक है। तो यहां पे क्या करेगा, किस तरह से कूलिंग करेगा, बॉडी में कूलिंग मैकेनिज्म कैसे ऑन करेगा, जो ब्लड वेसल स्किन की तरफ जा रही है उनको ये डायलेट कर देगा, उनको जो डायमीटर है उनको बढ़ा देगा, वो फैल जाएंगी स्किन की तरफ जो है वो ब्लड ज्यादा लेकर जाएंगी। अब वही ब्लड वार्म है, उसके अंदर एनर्जी है, वो सारी जो है वो फिर इस तरह से स्किन से बाहर डिसिपेट हो जाएगी।
इसके अलावा ये स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, पसीना पैदा करेंगे और इससे जो है एवेपोरेटिव कूलिंग काज करेंगे। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। अब यानी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, वही वाला दोबारा से आ गया 36.1 से जो हमारी रेंज है 37.8, यानी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो रीगेन हो गया, दोबारा से बॉडी उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। तो अब ये कूलिंग सिस्टम जो है ये उसको शट डाउन कर देगा, अब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे तो हाई हुआ था ना बॉडी का टेम्परेचर, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए। तो लो हो जाएगा तो कूलिंग यानी बॉडी कूल डाउन हो रही है, तो इससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस वार्मिंग सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर देगा। वार्मिंग सिस्टम को ये कैसे एक्टिवेट करेगा, उसमें ये स्केलेटल मसल्स यानी शिवरिंग होगी, स्केलेटल मसल्स की जो है मूवमेंट की वजह से जो है एनर्जी जनरेट होगी, तो इससे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्लस स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ताकि वो जो वार्म ब्लड स्किन की तरफ लेकर जा रही है, एनर्जी बाहर जा रही है बॉडी से, तो उसको रोका जाए। अब उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो इससे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर फिर से वही नॉर्मल हो गया, 36.1 से जो 37.8 की रेंज है वहां पे आ गया। अब ये जो हाइपोथैलेमस था जो इसने ये कूलिंग सिस्टम ऑन किया हुआ था, अब इसको ये शट डाउन कर देगा, ठीक है। और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है पायरेक्सिया, इसको देखते हैं। पायरेक्सिया में क्या होता है, पायरेक्सिया को हम कहते हैं कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव 99 डिग्री आर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम जी पायरेक्सिया कहते हैं या फीवर कहते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, कोई भी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर आके हमारे सेल्स को डैमेज करने के लिए टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, ठीक है। अब उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटी टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज करते हैं, ताकि इनसे कॉम्बैट करें, इनसे मुकाबला करें। तो होगा क्या, ये जो है इन हमारे ब्लड के अंदर इन टॉक्सिन्स और एंटी टॉक्सिन्स का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इन्हीं टॉक्सिन्स और एंटी टॉक्सिन्स को हम कलेक्टिवली पायरोजेंस कहते हैं। जब ब्लड के अंदर इन पायरोजेंस का लेवल बढ़ जाएगा, तो हमारा जो वो नॉर्मल सेट पॉइंट था जिसको हम कह रहे थे 36.1 से वो 37.8 पे एडजस्ट है, उसको हमारी बॉडी जो है उसको डिस्टर्ब कर देगी, उसको 37 से ऊपर ले जाएगी, 38 पे, 39, 40 पे एडजस्ट कर देगी। यानी बॉडी का जो वो सेट पॉइंट है वो अपने डिस्टर्ब हो गया है, वो उससे ज्यादा टेम्परेचर पे एडजस्ट हो गया है। इस ऐसा क्यों कर रही होती है, बॉडी को ये लगता है कि शायद इस तरह से मैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो जो भी पैथोजन बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है वो डीएक्टिव हो जाएंगे, तो इसलिए बॉडी ये काम कर रही होती है। इस कंडीशन को हम पायरेक्सिया कहते हैं, यानी हाइपरथर्मिया हो गया, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो